नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ऐसी फॉर्म को कहा जाता है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करती है। ये चार्ज है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट है कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस को कहा जाता है जहां तक एक इलेक्ट्रॉन का या किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ऐसी स्पेस जो एक चार्ज के आसपास की ऐसी स्पेस जहां तक दूसरे दूसरे कोई चार्ज उसको फील कर सके, उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर पाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये कोई एक पॉइंट है और ये कोई दूसरा पॉइंट है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज को कितना काम करना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरियिंग वन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना काम कर रहा है एक चार्ज, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट से। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये हमेशा ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। ये वोल्टेज, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है और इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट वोल्ट करंट। चार्ज के फ्लो को यानी चार्ज के बहने को ये इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है और इसका ऐसा यूनिट है एम्पेयर। आई से रिप्रेजेंट की जाती है करंट। ठीक है, कैपिटल आई। और अगर डिफाइन करना हो कि वन एम्पेयर करंट कितनी होगी, तो वन एम्पेयर करंट को डिफाइन किया जाता है एज वन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर वन सेकेंड। यानी एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज एक सेकेंड में जितनी करंट प्रोड्यूस करता है उसको वो उसकी क्वांटिटी होती है वन एम्पेयर। ठीक है, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को जो रोकता है, जो फोर्स इसको अपोज करती है इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये कंडक्टेंस के अपोजिट क्वांटिटी है, उसके इनवर्स क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट है ओम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक तरफ डायरेक्ट करंट है, दूसरी तरफ अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट में देखें आप, यहाँ पे ये करंट अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करती है और ये अल्टरनेटिंग करंट है जो ये टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करती रहती है, बार बार चेंज करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बैटरी है, डायरेक्ट बैटरी। डायरेक्ट बैटरी में जो यूनिट डायरेक्शनल करंट फ्लो करती है, ये इसके डायग्राम है। ठीक है, डायरेक्ट करंट इज द करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इसको यूनि डायरेक्शनल करंट भी बोला जाता है, यूनि डायरेक्शनल करंट। और बैटरी, बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोला जाता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल रिएक्शन के साथ ऐसा कुछ रिएक्शन करता है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है वो। और डीसी बैटरी, डायरेक्ट करंट बैटरी, ऐसी बैटरीज होती हैं जो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी करंट को जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में बहती है, टू एंड फ्रो, स्विच बैक नहीं करती बार बार। और एग्जाम्पल्स एंड डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स की, सेलफोन्स, फ्लैश लाइट्स,
हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्लैट स्क्रीन टीवीज. फ्लैट स्क्रीन टीवीज में क्या होता है कि पहले एसी एंटर करती है और बाद में वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है. अब डीसी को कैसे जनरेट किया जाता है, कितने तरीकों से. पहला तो ये कि एक अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर होता है, उसके साथ एक छोटी सी डिवाइस मिलती है जिसका नाम है कम्यूटेटर. ये डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है. कम्यूटेटर डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस कर सकती है. दूसरी है एसी टू डीसी कन्वर्जन डिवाइस. ये स्पेसिफिकली इसी पर्पज के लिए बनाई गई है और इसका नाम है रेक्टिफायर. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन. एसी टू डीसी कन्वर्जन डिवाइस जो है रेक्टिफायर. और कुछ बैटरीज हैं जो डायरेक्ट करंट बैटरीज हैं, वो भी डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस करती हैं केमिकल रिएक्शन से. अब पावर कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. काम करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको एनर्जी बोलते हैं. और कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम खर्च हो रही है उसको बोलते हैं पावर. एनर्जी पर टाइम, ठीक है. एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जोल. और जोल पर टाइम होती है पावर, ठीक है. वर्क डन, वर्क डन बोलते हैं पावर को. और सो ये यहाँ पे फॉर्मूला बना, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से पर यूनिट टाइम ट्रांसफर हो रही है, ठीक है. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर. ऐसा यूनिट होता है वाट. ओम्स ला हमें करंट का, वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है वो बताता है. अकॉर्डिंग टू ओम्स ला जो करंट फ्लो कर रही होती है किसी भी सर्किट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के. यानी जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा करंट बढ़ेगा. वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस, ओके. और ये फॉर्मूला इस तरह बनता है, V इक्वल टू आई आर, जहां पे V वोल्टेज को बोला जाता है, I करंट को बोला जाता है और R रेजिस्टेंस को बोला जाता है, ठीक है. तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मानते हैं इसको. इससे एक और भी पता चलता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट बढ़ जाएगी और करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मतलब कम होगा और करंट घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाती है. ये एक इलेक्ट्रिक, ये पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. एक कोई इलेक्ट्रिक मशीन है जो 300 जोल का काम कर रही है 10 सेकंड के अंदर, तो पावर कितनी होगी. आप तो जानते हो कि पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी 300 जोल और टाइम है 10 सेकंड, 300 जोल को 10 सेकंड से डिवाइड कर लिया तो 30 वाट ये उसका आंसर हुआ. होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो. कोई सुझाव अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. धन्यवाद.